जेसीआई गोरखपुर मिड टाउन द्वारा आयोजित जेसी सप्ताह के अंतर्गत बृहस्पतिवार को महानगर के चौरैया गोला स्थित शीतला माता मंदिर पर सुजल शीतल पेयजल का उद्घाटन मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी नगर राकेश श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कालीबाड़ी मंदिर के महंत रविदास और वरिष्ठ समाजसेवी महेश पोद्दार भी मौजूद रहे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नगर राकेश श्रीवास्तव और कालीबाड़ी मंदिर के महंत श्री रविदास जी महाराज के द्वारा गरीबों और रिक्शा चालकों में कोरोना बचाव किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निवर्तमान अध्यक्ष जेसी हिमांशु अग्रवाल, आयुष गर्ग, विभोर पोद्दार, रजत लाल, नितिन जैन, अभिषेक सिंघानिया, मयंक मित्तल, अभिषेक अग्रवाल आदि सक्रिय सहभागिता रही है। इस दौरान कार्यक्रम में चौरैया गोला के सभासद शहाब अंसारी, चेंबर ऑफ ट्रेडर्स अध्यक्ष अनूप किशोर एवं संरक्षक मनीष चंदवासिया भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। हमारे शरीर में 90% पानी है, महाराज जी, इससे बड़ी दौलत जीवन बचाने की कुछ नहीं है। हाथी में करंट आ रहा है, हल्की सी अर्थी गाड़ी स्विच बंद कर दीजिए, करंट अब भी आ रहा है, तेज आ रहा है, हल्की सी अर्थी दे रही है, सही करा रही है। अंकित के पास व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन मैं नहीं करता जितनी सर इधर देखिए आप भी अपना बीमारी छू ना पाए, बचाव ही इलाज है, अभी कोई दवा नहीं, कल ये ईश्वर का विधान था कि हम सब इकट्ठा हुए थे, हमारा एक जनहित में मानव सेवा के लिए, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मानव की सेवा के लिए इतना बढ़िया जीवन जो जल के बिना संभव नहीं है, उसके लिए हमारे संत काली बाड़ी के महाराज जी, महेश पोद्दार जी और संस्था के अध्यक्ष और उनके सारे सदस्य सचिवगण और सारी जनता और पूरे पत्रकार बंधुओं के सामने एक अनोखी पहल की है, जिसका मैं हृदय से प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ।